उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है सॉरी वॉल्वो लग्जरी बस अशोक लेलैंड 135 स्लीपर सीएनजी। भाई साहब, ये बस जी बनाई है इंडिया ने, तो लग्जरी बस है इस तरह के पाकिस्तान में भाई हमने नहीं देखी। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं ये? 3, 2, 1। ओ माय गॉड, इसे कहते हैं रियर। और पूरा का पूरा कंप्लीट ग्लास है ये, इस तरह से कंप्लीट व्यू। क्या बात है। और इसका क्लस्टर वगैरह वही बड़ी ग्लास के अंदर ही लग रहा है। 1500 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी, मतलब मोटा मोटा 250 केजी इसमें गैस आ जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार हिस्सों में सामने खड़ा हूं कुछ ऐसी शानदार चीज के आगे जिसके सामने से कोई भी गुजर रहा है ना, तो भाई वो सबसे पहले तो ठहर रहा है और गर्दन उठानी पड़ रही है ऐसे करके, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है यार ये क्या चीज है। ये इंडिया की सड़कों पे हमने आज तक नहीं देखा। ये है हमने सामने 13.5 सीएनजी स्लीपर बस, ऐसी आज तक मैंने नहीं देखी। लग्जरी बस देखी भाई, बिल्कुल प्रीमियम बस, अल्ट्रा प्रीमियम बस बहुत देखी है, लेकिन जैसी ये है सबसे मेन चीज है इसकी हाइट। और इसकी हाइट का रीजन ऐसे नहीं बना दिया कुछ भी भाई, इसकी हाइट का रीजन है जो अंदर स्लीपर दिया है ना, वो भी भाई बैठने के लिए आपको बिल्कुल लाउंज वाली फीलिंग देता है। आप हर समय थोड़ी लेटते हो, थक जाते हो, ऊपर वाला बंदा पहले तो मजे लेता है लेकिन उसके बाद परेशान हो जाता है। लेकिन इसमें 13.5 मीटर लंबी बस है ये, देख रहे हो इस तरह से। अभी एक एक करके चीजें दिखाता हूँ इसकी। और इसमें जो आगे है ना ब्रेक भाई, डिस्क ब्रेक लग रही है। सबसे पहले इसका लुक देखो यार, क्या बात है। ओवरऑल इसकी विड्थ की बात करें तो भाई 2.6 मीटर, 2600 mm इसकी विड्थ है। बड़ा बड़ा अशोक लेलैंड, जो कि बड़ा होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि यार जैसी चीज बनाई है ब्रांड का नाम तो बड़ा बड़ा होना चाहिए। इस तरह की डिजाइनिंग, इस तरह के लुक्स कभी भी नहीं देखे। और कब देखे हो? और ये प्रोटोटाइप नहीं है, ये कोई भी हमारा ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट बना दिया, ये रोड पर इसी उसमें दौड़ेगी। अभी बात करेंगे फिलहाल पैसे वैसे कितने हैं, लेकिन बात करें इसके वाइपर की, जब बाइक खुलेंगे शीशे का कोई भी गजल ही नहीं है। देख रहे हो कंप्लीट एज टू एज आपको ग्लास दिया गया है। यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन सारी दी हुई है। और कुल मिलाकर बात करें कितना इंजन है इसमें, इंजन इसमें अराउंड दिया है यार कितना, 6200 cc था या कितना था, एक बार देख लेते हैं फिलहाल। अभी सरसा ही बोलेंगे, 250 hp की पावर देता है, 900 nm का टॉप जनरेट कर रहा है। सर कितने सीसी का इंजन था? 6.25 भाई, 6250 cc का इंजन है। अब एक बार जरा बात करें साइड प्रोफाइल की, पूरा पीछे से दिखाते हुए, वैसे आपको भी मन हो रहा होगा ना कि आप अंदर से दिखाओ पहले। चलो भाई पहले हम अंदर से ही दिखा देते हैं, फिर आपको बाहर ले आएंगे। ये है कुछ इसकी एंट्री, यहां से होता है हम एंटर। ये है कुछ इसका इंटीरियर का फेस। सबसे पहले आप क्या देखते हो यहाँ पर, जनरली हम यहाँ पर बैठने में बड़ा अनईजी फील करते हैं जब भी हम स्लीपर में बैठते हैं। ये देखो इसमें आपको इस तरह से पूरा का पूरा, हाँ भाई निकलना थोड़ा भारी पड़ जाता है। यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया चीज है, इतनी ज्यादा हाइट दे रखी है, हेडरूम बहुत दे रखा है। कोई भी पर्सन इसमें बैठेगा तो भाई आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जनरली क्या सिर भी टेढ़ा वेढ़ा करना पड़ता है। और ऊपर आपको डेडिकेटेड इस तरह से दिए हुए हैं 4 AC vent, क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया लाइटिंग है, इंटीरियर जबरदस्त लग रहा है। और पूरा का पूरा कंप्लीट ग्लास एरिया है ये, इस तरह से भाई साहब चौड़ाई की वजह से देख रहे हो कितना जबरदस्त स्पेस है। उछर उछर हो गया मिल रहे हैं ना, चिपक चिपक के बिल्कुल लेटना पड़ता है। और टोटल इसमें 36 सीटर है, ठीक इस तरह से मैनेज किया। और इसी में अगर आप लेना चाहो कि हमें ये वाला नहीं लेना सेटअप स्लीपर वाला, हमें नॉर्मल बैठने वाला चेयर कार जो होती है वो, तो भाई उसमें भी आपको मिल जाएगी 52 सीटर, बिल्कुल 52 सीटर। ओके अच्छा, लास्ट वाली जो रोज है उसमें आपको उल्टा चलेगा। इस तरह से ये है अंदर का मामला, क्या बात है भाई, क्या सेट लग रही है ना। और कैसे लोग देखेंगे इसको जब रोड पर चल रही होगी ये, इधर अपनी दो हुई, इधर अपनी सिंगल हुई, 2x1 वाली इसमें सेटिंग दी हुई है। मेन चीज है कंफर्ट बढ़िया रहेगा, और कभी भी बिल्कुल आपको इसमें वो वाली फीलिंग नहीं, क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली, क्योंकि विंडो एरिया ग्लास एरिया बड़े बड़े दिए हैं, हेड रूम बढ़ा दिया है, और एसी वेंट आपको डेडिकेटेड इतने दिए हुए हैं जिससे कोई भी क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली फीलिंग नहीं आ रही। अब जरा एक बार आपको कॉकपिट दिखाता हूँ ड्राइवर का, ये
ये है कुछ ड्राइवर का कॉकपिट और माइटिंग गैस, वही एंड्रॉइड सिस्टम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इतना सब कुछ सारे हमने देखा है कार वगैरह में लगते हुए, बाकी मैनुअल गियरबॉक्स और इसका क्लस्टर वगैरह वही बड़ी ग्लास के अंदर ही लग रहा है। उसमें जैसे चाबी ऑन होती है तो लिट अप हो जाता है वो डिजिटल फॉर्म। एक गियर, ओ भाई पूरा का पूरा बाहर का व्यू देख रहा, कहीं भी ब्लाइंड स्पॉट आपको यहाँ पर फील नहीं हो रहा। और अभी ये आपको इसमें मिरर वगैरह नहीं दिख रहे ना, तो भाई मिरर इसमें लगा दिए जाएंगे बाद में, अभी लुक देने के लिए। ओके, इसी डिस्प्ले में तो एक बार चाबी ऑन करके दिखा सकते हैं आप क्लस्टर? हाँ एक बार दिखाओ यार, जबरदस्त सा हो जाएगा। मैडम ने बताइए कुछ नई सी चीज, कैमरे कहाँ पर लग रहे हैं? नहीं रियर व्यू मिरर तो हो गया, नहीं फ्रंट के जो बैक से ही नजर आ जाएगा ना साहेब। अच्छा तो हमें इधर उधर सिर नहीं घुमाना, हमें वहीं पर ही दिखता रहेगा। ओ वाह, मैम ने बहुत सही चीज बताई है। तो मैम एक बार क्लस्टर इसको ऑन करके दिखा सकते हैं? हाँ हाँ एक बार वो दिखा दीजिए, क्लस्टर ऑन हो जाए। तो देखो यार हेडलैम्प नहीं दिख रहे ना, हेडलैम्प इंटीग्रेटेड है इस तरह से, आपको कंप्लीट ब्लैक जो अपना ग्लॉसी ब्लैक वाला पैटर्न है उसी के अंदर है। बाहर से देखने में लगी ये लो यहाँ पर लिए प्रोजेक्टर दिए हुए इस तरह से, लोग ये कहेंगे ना भाई इसमें हेडलैम्प कहाँ है, डिस्क ब्रेक दी हुई है इसमें। अगर साइज की बात करें 295/80 R 22.5 2.5 इंच का, और इसमें डिस्प्ले है। कोई भी कहेगा भाई इतने लोड पे ये चल रही है अगर गाड़ी, कितना हीट जनरेट होगा, कितनी ज्यादा गर्म हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए भी इसमें जुगाड़ कर रखा है, जुगाड़ हम कह रहे भाई टेक्नोलॉजी दे रखे क्या, रिटार्ड सिस्टम जो अपने शाफ्ट घूमती है, बस शाफ्ट पर ही इलेक्ट्रॉनिक वे में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वे में एक फोर्स लगाया जाता है जो कि आरपीएम को कंट्रोल करता है। और अपना जो फोर्स है वो डिस्प्ले कम आता है, लोड कम आता है। CNG है, देख रहे हो फाइबर टैंक है ना, तो इसमें अपनी जो भाई CNG फिलिंग कैपेसिटी है ना 375 लीटर के इसमें आपको मिल जाते हैं 4 सिलेंडर, जो कि टोटल कैपेसिटी देते हैं आपको 1500 लीटर की। भाई 1500 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी, मतलब मोटा मोटा 250 केजी इसमें गैस आ जाएगी। एक जो वो होता है ना कैसेट चलते हैं, मतलब आपने ट्रक देखे होंगे CNG लेकर चलते हुए, भाई पूरा पी जाएगी एक बार में ये गाड़ी, उसमें 350-400 होता है छोटे वाले उसमें। बहुत बढ़िया, तो भाई इस तरह से है। और सर इसकी प्राइस क्या है? तो डीजल में क्या है? नहीं जो बाकी गाड़ियों सर बिल्कुल मतलब बोलना नहीं चाह रहे, कुछ नहीं कह रहा बस। तो भाई जबरदस्त वाली चीज है, सर एक बार इसको वो दिखा सकते हैं सर, एक बार क्लस्टर इसका ऑन हो सकता है, क्लस्टर दिख जाए क्योंकि हम पूरा का पूरा इसका एक बार दिखा दे। कितना 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 क्यूबिक मीटर है? 11 ओके विद CNG नहीं, क्योंकि हमने अभी वॉल्वो में देखा है वहां पर 15 मीटर लेते हैं ना। लेकिन एक और चीज है जो अपना ये है डबल डेकर जो स्लीपर बस होती है, स्लीपर बस में हमारा ये वाला लोडिंग एरिया जो नीचे होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ये चीज देख स्लीपर बस में इवन अमंग डीजल आल्सो दिस इज द हाईएस्ट। हाँ ये है, क्योंकि मैंने ये देखा था, मैंने ये पढ़ा भी था, मैं इस पे एक्चुअली पढ़ रहा था, तो ये चीज मैं देख रहा था। जब आपको अंदर कैबिन स्पेस बढ़ाना पड़ता है तो थोड़ा सा इसे नीचे रखना पड़ता है, नहीं तो हाइट बहुत ज्यादा चली जाएगी। एक बार सर क्लस्टर एक बार दिखा दीजिए। हाँ चलो भाई, क्योंकि क्लस्टर इसका बड़ा सॉलिड लग रहा है यार, इतना सेक्सी सा। ये देखो दोबारा से क्या ही चीज लगेगी, देखो जरा ये यहाँ पर पूरे में आपको अगर एकदम ऑन करते ही चाबी जलता हुआ दिख जाए सब कुछ अलग चीज लगेगी यार, है ना। और उसी में कैमरे यार, मतलब बाहर मिरर नहीं है ना, जनरली आपको बसेस में क्या बड़े बड़े मिरर दिखते हैं, वो इसमें नहीं है। तो भाई टेक्नोलॉजी अलग लेवल पे जाती आ रही है, हम देखते रहेगा कार वगैरह। और जो बसेस हैं, बसेस प्रीमियम से अल्ट्रा प्रीमियम हो गई, नेक्स्ट लेवल पे चली गई, और अब तो क्या ही क्या होता है। ओह माय गॉड,
इसे कहते हैं रियर। भाई साहब यार इसे मैं लास्ट तक क्यों छोड़ा, ये चीज तो शुरुआत में लाने वाली है। वॉल्वो वालों सीखो, वॉल्वो ने फ्रंट में जबरदस्त काम किया, इंटीरियर लाजवाब, लेकिन रियर में वो वही अपना वॉल्वो वाला डिजाइन दिया उन्होंने, ना ट्रेडमार्क। लेकिन अशोक लेलैंड क्या काम किया भाई, डिजाइनिंग टीम अल्टीमेट काम किया है, क्या गजब लग रही है। अभी ये यहाँ डिस्टेंस होता ना ज्यादा तो भाई आपको दिखाता मैं, क्या लाजवाब चीज लग रही है ये, बहुत सही यार। मस्त भाई मस्त, तो इस तरह से थी अपनी है। मैक्सिमम लेंथ चाहिए आपको भाई, डबल चक्का लगा बिल्कुल, जो अपना पीछे आपको दिख रही है अपना क्या कहते हैं एक्सल, ये वाले एक्सल में ये मैक्सिमम लेंथ है गाड़ी की 13.5 मीटर, इससे ऊपर अलाउड ही नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। और अगर इसमें डबल एक्सल आ जाएगा पीछे तो भाई ये 15 मीटर तक जा सकती है, क्या बात है। ये इधर अपना हाइड्रोजन सर्वाइवल हो गया, बाकी इधर तो अपना मस्त जबरदस्त गाड़ी हो गई। चलो भाई चाबी वगैरह होली बाहर दुकान मुझे लग रहा है, तो फिलहाल वीडियो करते हैं। गाड़ी मुझे मस्त लगी, जबरदस्त होगी, आपको कैसा लगी कमेंट करके जरूर करना, आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों सब्सक्राइब करना, संस्कार सुनना चैनल, जय हिंद। वीडियो खत्म हो गया भाई साहब, आज ना हमने एक बस देखी लग्जरी वाली, देखी है ना कौन सी वाली, कमाल है यार, बस तो नहीं है मुझे इसका फ्रंट भाई, यकीन माने जिंदगी में मैंने थी बस जो है वो पहली दफा देखी, न्यू है ना भाई, तो ये इंडिया ने खुद बनाई है भाई, सही बात। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये जो डेवो है ना, डेवो हमारे यहाँ चलती है, नहीं बना सकते, नहीं नहीं जो डेवो हमारे यहाँ चलती है ना, हाँ चलती है, वो भी इंडिया ने बनाई है। अच्छा तुम्हें इस बात का पता है, पाकिस्तान कुछ बनाता है तो शुक्र है, चलो वो तो इंडिया से ले ली, कि वो भी दुबई के रास्ते ही आई, चलो किसी रास्ते से है इम्पोर्टेड ही, क्योंकि इतनी कमाल की बसें हैं ये कैसे बनाएंगे, ये भी तो इंडिया से नहीं थी, ये भी किधर किधर और से ली है भाई, तो ये डेवो साल भी अब से है, ये डेवो बड़ी पुरानी बस है, तो अब जो नए आ रहे हैं वो तो भाई, लेकिन भाई साहब इस बस की बात करें तो क्या फ्रंट था भाई साहब, जिस तरह हाथी नहीं होता उसके जो स्क्रीन सारे शीशा एक साथ ऐसे फुल फुल, और बंदा जब शीशे भी नहीं है, लाइटें अंदर है, सभी कुछ सेफ है, कैमरे लगे हुए हैं, पैसेंजर है वो सेफ है, लेटे 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 मजा ले सकते हैं, बैठे बैठे देख सकते हैं, तो खास करके ये जो है ना लंबे सफर के लिए, ये लंबे सफर के लिए बनाई गई, क्योंकि इंडिया जो है वही बहुत लंबा चौड़ा है, तो क्योंकि सफर जो है वो लंबा होगा तो बंदा थक भी जाता है, और कंफर्ट लेवल जो है वो उसका बड़े अच्छे से ख्याल रखा गया है, वो दो दो एसी एक सीट पे, दो दो चार चार वो दो सीटें थी उस साइड, वो दो सीटें होंगी ना, तो यानी कि मुंह को भी ठंडी हवा लगेगी और पैंट पैरों को भी, पैंट को पैंट का वो पैंट भी साथ ही होगी उसको भी लगेगी, लेकिन भाई मजा आया बस को देख के, और उसकी हाइट यार बहुत ज्यादा नहीं थी, हाइट डबल जो है डबल है, हाइट तो हो गई डबल भी, और कंफर्टेबल इसलिए कि भाई ऊपर वाली देखी, ऊपर जो स्लीपर बने हुए थे, लेकिन ये एक मसला दरपेश आएगा भाई, जो थोड़ी सी जिनको घुटनों में दर्द होता है या थोड़ी सी ज्यादा उम्र के होंगे वो नीचे ही घुसेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे वो बैठ जाएंगे, अगर किसी को तकलीफ हो किसी तेरे मेरे जैसे जवान को बोलेंगे भाई साहब थोड़ा सा उठा देना तो थोड़ा सा पुश करेंगे कि वो ऊपर चला जाएगा, पुश करने से ना गया भाई जाएगा क्या, जब तक पुश ही कर रहा मैं भी पुश ही करना पड़ता है, मैं तो भैया अभी जवान हूँ माशाल्लाह बड़ा फिट हूँ, मैं भाई दिखाई दे रहा था नहीं पिछले दिनों ना लाहौर से जब मैं वापस आ रहा था ना, वो फैसल मूवर्स की गाड़ी में आए वापस, वो भी भाई कमाल की धासु थी बिल्कुल, इनकी सीटें सोने के लिए बनाई गई ना लंबी, ये गद्दियां ये पर्दे बिल्कुल सेम ऐसे ही सिस्टम रखा हुआ, बड़ी बसें अच्छी हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारी बसें बुरी हैं, लेकिन ये इसकी जो शक्ल देखिए, लेकिन इससे मुकाबला नहीं कर सकते, हाँ इसके भाई साहब ये तो बहुत कमाल, इसकी जो सारे जो देखा है साइड पे सारा शीशा ही लगा हुआ है, हाँ वो बैक पे देखे डेकोरेशन क्या डबल है ना, तो ऊपर नीचे दोनों को तो दिखाई देना चाहिए ना बाहर के नजारे, वो इतनी इतनी से भी यहाँ क्यों हो जाता है भाई, तो बाहर से इसकी भी जो लोकेशन है बस की, भाई साहब ये
टूरिस्ट के लिए बहुत मजेदार है, लंबे रास्ते पे जाए। लेकिन इतना इतनी हाइट वाली बस जो अगर लंबे रास्तों पे ऑफ रोड चलेगी तो फिर मजा नहीं है। फिर कैसे ऑफ रोड वहाँ है कहाँ पर? इंडिया में कई ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस पे ऑफ रोड भी होते हैं रास्ते, तो वहाँ पर फंस भी सकती है ना, इसको धक्का लगाने लगे बंदा क्यों नहीं तो वो शीशा टूट जाएगा। अच्छा इतना कमजोर लगा है जिस तरह तू बोल रहा है इसके धक्के के लोड भी उसके पावर कितने कितने हॉर्स पावर बोल रहे थे पता नहीं कितने का इंजन बोल रहे थे काफी सीसी में कह रहे थे तो हमें भी पता नहीं। और इसकी जो 6600 फ्यूल कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा है 1500 लीटर बोल रहे थे। भाई साहब बता रहे थे कि ये जो गाड़ियां गुजरती है ना वो बड़े 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 टैंक सिलेंडर लेकर वो पूरा ही खा जाएगा। ये तो फिर बहुत ज्यादा ही सर, एक दफा ये भर ली जाए तो बहुत ज्यादा तो सफर ये तो नहीं कि 200 किलोमीटर करके इसने रुक जाना। इसके जो फ्रंट पे जो दिया ड्राइवर सीट के सामने सारे डैशबोर्ड भी भाई साहब एलसीडी स्क्रीन कंट्रोल मतलब सारा कुछ उसने वहां से कैमरे से देख लिया जाएगा पीछे क्या आ रहा है हॉर्न कौन बजा रहा है सारा। और मजे की बात ये जो हमारी शायद उधर पहले हो डिस्क ब्रेक लेकिन लेदर वाली है, इधर भी इधर इधर टोटल ओवरऑल लेदर बसों में चलती लेदर वाली है। इंडिया में तो डिस्क ब्रेक वाले स्कूटर भी हैं। नहीं वो तो इधर भी है ना, इनका नहीं है। नहीं है इधर भी है लेकिन बस से जो है ना ये डिस्क ब्रेक और लेदर ब्रेक में क्या फर्क होता भाई? बड़ा फर्क हो वो जो लेदर के वो लोग वो डिस्क का ये है कि तुमने लगा दी ना तो पहिया जाम जाम लेदर कुछ अरसे घिसते रहते हैं वो फ्रिक्शन जो है ना कम हो जाती है और उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है कुछ अरसे के बाद। तो भाई पता चल गया पहले भैया से तुक्के लगाता था लेकिन ये पता डिस्क तो मतलब वो होती है ना लोहे की मतलब लोहे से पकड़ हो जाती है बहुत मजबूती होती है। तो ठीक है भाई बड़ी अच्छी लगी बस, ऐसी लग्जरी बस और भी हो तो जरूर बताइए। अच्छा तारक भाई बोल रहा था इतनी लेंथी है इसके जो पीछे वो टायर डबल होने चाहिए तो क्योंकि इतनी बड़ी लंबी चौड़ी वजन इतना नहीं है ना। तो जब भाई स्कूल कॉलेज में जाते थे वो भी ये टायर देखते कम भी थे और ऊपर नीचे साइड पर किस तरह स्टूडेंट एक तो पैसेंजर कम हो गए। ये है कि यहाँ पर पैसेंजर ज्यादा होते हैं यहाँ पर पैसेंजर कम है और इसका अपना भी वजन कम है। वो एक दफा भाई मैं कॉलेज गया था नया नया सख्त लौंडा बन के ना बस पे जनाब चढ़ा था मैं तो इतने लोग जो है ना वो बाहर लटके हुए थे मैं भी लटके हुआ था तो एक कान पे भाई साहब मैं खड़ा होके ना वो भी एक लेडी बैठी थी उसका हाथ था उसने मुझे थोड़े से साइड दी मतलब हाथ हटा लिया। अच्छा मैंने उधर जनाब पैर रखा और पूरा लटक के गया जनाब मैं कॉलेज में एक टांग पे बस भी ऐसे दूर दिखाई दे रही थी ऐसे अभी ऐसे ऐसे जा रही थी बस ऐसा लग रहा है कि नहीं उल्टती नहीं है क्योंकि रोड जो होते हैं ना वो डिजाइन ऐसे किए जाते हैं लेकिन वो बस भी तो भाई रोड भी तो ऐसे डिजाइन थे वही कह रहा हूँ ना उसका झुकाव भी उधर ही था वो रोड की वजह से होता है बस का नहीं होता है पानी के लिए लेकिन झुकाव भी तो उधर ही था भाई साहब। वो भाई 10 किलोमीटर नीचे चलेगी 10 किलोमीटर भाई मैं ना एक पैर पे गया तो जब मैं कॉलेज में जब असेंबली होती है ना तो तब जी मेरा पांव जो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना ऐसे ऐसे ना झटके लगते थे आगे हो जाते तो टांग ऐसे ऐसे एकदम कांप रही थी। इतना बड़ा बोझ जो उठा के अकेला गया साथ में बैग भी था मैंने कहा भाई पहली दफा पाकिस्तानी जो रोड थे उसके तो क्या नहीं रोड अच्छा था भाई साहब तू पाकिस्तानी रोड के पीछे ना लगे और भाई दुनिया में इंडिया में भी अच्छे रोड है हमारे किसी ना किसी काम पर इधर पता है हर बंदा ही अपनी मर्जी का मालिक है गवर्नमेंट बना के चली जाती है पीछे से ये कौन कौन सी खुदाइयां शुरू कर देते हैं तुझे पता है इस बात का वो तो चेक करते हैं क्या बात ये ठीक है भाई साहब ये मजे की बात ये है कि ये इंडिया की कंपनियों ने खुद बनाई है और ये जो कंपनियां इतनी कमाल की बसें बना रही है तो भाई साहब इंडिया के लिए फायदा लोकल बसें मिलेंगी तो इस तरह की शानदार बस जो है भाई साहब इंडिया में बन रही तो हो सकता है कल को भाई एक्सपोर्ट भी हो
हो सकता है अगर कल को पाकिस्तान के पास पैसे हैं तो वो भी खरीद सकता है। पाकिस्तान में इतना लंबा सफर ही नहीं है कि वो हम कराची में है क्यों नहीं, वो एक ही ट्रैक बनता है ना। हाँ तो एक ही ट्रैक बहुत बहुत बड़ा है, ट्रेन भी लोग जाते हैं स्लीपर में, ऐसी लग्जरी बस में तो मजा ही आ जाएगा भाई। इसका खर्चा भी तो ज्यादा ही होगा, तो साफ सुंदर हाँ पैसेंजर कम है ये बात। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।